टीम इंडिया इस वक्त वर्ल्ड कप की जीत का जश्न मना रही है और नया कोच मिल जाने पर आगे की रणनीति पर काम कर रही है। इसी वक्त पड़ोस यानी पाकिस्तान के क्रिकेट में भगदड़ मची हुई है। कप्तान पर तलवार लटकी हुई है और सेलेक्टर्स की तो छुट्टी ही कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर वहाब रियाज और मोहम्मद रज्जाक को सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया है। इस बार के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े दावों के साथ गया था। बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाया गया था और उसके बाद उम्मीद जगाई गई थी कि वर्ल्ड कप में मजा आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान यहाँ पर भारत से तो हारा ही और साथ साथ अमेरिका ने भी पाकिस्तान को लपेट दिया। पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान दो ही मैच जीत पाया, जिसमें कनाडा और आयरलैंड जैसी टीमों के खिलाफ जीत मिली थी। जब पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया तो ये साफ हो गया कि कुछ तो खेल होगा ही। पहले सवाल उठा कि बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि उनके कप्तान बनने से टीम का माहौल बिगड़ा और इसी का नतीजा भी हमको देखने को मिला। इधर भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया तो पाकिस्तान के जले पर और भी नमक छिड़का गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बोर्ड में एक सर्जरी करने की बात कही। पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी शुरू हुई तो सबसे पहले वहाब रियाज और मोहम्मद रज्जाक का नंबर आया। दोनों को सेलेक्टर्स की टीम से हटाया गया। कारण बताया गया कि जो रोल दिया गया था वो निभा नहीं पाए, लेकिन सच तो यही है कि ये एक शुरुआत ही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में अभी बहुत से एक्शन लिए जाने बाकी हैं। शाहिद अफरीदी ने भी कह दिया है कि बाबर आजम को इससे ज्यादा मौके नहीं दिए जा सकते हैं, यानी सर्जरी यहाँ भी होनी जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच इस वक्त गैरी कस्टन है, वही कस्टन जिन्होंने टीम इंडिया को भी वर्ल्ड कप जितवाया था, लेकिन तब उनके साथ यहाँ पर धोनी, सचिन, सहवाग जैसे खिलाड़ी थे। लेकिन क्या गैरी कस्टन पाकिस्तान क्रिकेट में वो कमाल कर पाएंगे जिसकी उम्मीद पाकिस्तान के फैंस उनसे लगाए बैठे हैं, ये तो समय ही बताएगा। अभी देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में और कौन कौन सी सर्जरी होती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।